तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस। जो इस बार जो एग्जाम होने वाला है 10th का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रति वर्ष क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम को समझेंगे सबसे पहले कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, ये आपका जैव प्रक्रम चैप्टर है, लाइव प्रोसेस इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, इनको हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम का इंग्लिश होता है लाइव प्रोसेस ना, क्या होता है, लाइव प्रोसेस होता है। तो हम सभी के लाइफ में क्या होता है, अंदर में जो बॉडी है, हम लोग का बॉडी के अंदर में जो है क्या, मशीन लगा हुआ ना, मशीन के जैसा जो अंग लगा हुआ, वो क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। कोई भी काम करते हैं हम, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोसेस करता है ना, प्रोसेस लेता है। वो प्रोसेसिंग हमारे लाइफ के अंदर भी होता है। ठीक है, जैसे पाचन तंत्र, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लिए और CO2 बाहर आता है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। बिना प्रोसेस का CO2 बाहर कैसे आया ना, तो प्रोसेस हुआ तभी ना CO2 बाहर आया। तो प्रोसेस कैसे होता है, पाचन से होता है, सर्कुलेशन सिस्टम होता है ना, श्वसन होता है हमारे शरीर में। तो लाइव प्रोसेस के अंतर्गत जो होता है, पाचन आ जाता है, इनके बाद श्वसन आता है, और फिर जनन भी आता है, प्रोसेस, जनन भी एक प्रोसेस है। तो हम लोग आज लाइव प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। तो जैव प्रक्रम में आप समझ गए क्या क्या पढ़ना है हमको, जैव प्रक्रम में उत्सर्जन पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, और पाचन तंत्र पढ़ना है। ठीक है, इनके बाद परिसंचरण को पढ़ेंगे, हार्ट वगैरह जो सभी चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैव प्रक्रम होता है क्या थोड़ा समझ लेते हैं। इनका जो परिभाषा है वो होता है, वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण मेंटेनेंस होता है। तो आप बताइए, अब आपके अंदर जो मेंटेनेंस होता है, तो कौन सी प्रक्रिया जिनके द्वारा मेंटेनेंस होता है। आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, पाचन होता, वो भी क्या है, प्रोसेस है। पाचन होने के बाद क्या होता है, उनका बहिष्करण होता है, इनके बाद अवशोषण भी होता, जितने भी भोजन में पोषक तत्व होते हैं वो सभी पोषक तत्व जो है आपका छोटी आंत क्या करता है, एब्जॉर्ब करता, अवशोषित करता, और फिर पूरे बॉडी में फैलाता है ना, जिसको स्वांगीकरण हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम लोग आज जानेंगे। चलिए देखते हैं लाइव प्रोसेस क्या है। ठीक है, जैव प्रक्रम देखते हैं, वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है ना। वे सारी प्रक्रिया आ जाएगा, डाइजेशन आ जाएगा, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन ना, ये सभी क्या है, ये सभी प्रक्रिया है जिनके द्वारा हम लोगों का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, हम लोग पोषण पढ़ते हैं, पोषण को समझेंगे क्या होता है। जैव प्रक्रम आप लोग समझ गए होंगे, और पोषण क्या होता है उनको समझेंगे। ठीक है, देखिए पोषण जो होता है ये एक लक्षण है सजीवों का, क्या है, लक्षण है ना। अब लक्षण कैसे है, क्योंकि जितना भी सजीव है वो सभी क्या करता है, भोजन तो कंज्यूम करेगा ही, ग्रहण करेगा ही, और भोजन ग्रहण करने की जो विधि है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिखे, यह सजीवों का सपर्णक लक्षण है, इनका परिभाषा क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है, पोषक तत्व जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब पोषक तत्व क्या, ये क्वेश्चन आता है, तो पोषक तत्व क्या होता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं उसी के अंदर क्या होता है, कुछ रासायनिक तत्व होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने में सहायक होता है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है ना। जैसे यहाँ पे लिखे हैं पोषक तत्व क्या होता है, इनका परिभाषा यहाँ पे है, भोजन में उपस्थित वे रासायनिक तत्व जो शरीर के निर्माण, उत्तकों को मरम्मत, ऊर्जा का निर्माण तथा शरीर के रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है, पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, तो पोषक तत्व भी आप समझ गए, उसी पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो विधि है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। ठीक है, पोषण समझ गए सभी लोग, जैव प्रक्रम समझ में आ गया। ठीक है, फिर से एक बार जैव प्रक्रम बता देते हैं, वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पोषण भी आप लोग समझ गए, मतलब पोषण क्या, सजीवों का लक्षण है, एक प्रमुख लक्षण है जिनके द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा होता है, पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की विधि पोषण, पोषण कहलाता है। अब पोषक तत्व क्या होता है ये भी आपको बता दिए। ठीक है, फिर से पोषक तत्व बता देते हैं, भोजन में उपस्थित वे रासायनिक तत्व जो शरीर के निर्माण, उत्तकों का मरम्मत, ऊर्जा का निर्माण और शरीर को रोगों से रक्षा करने का कार्य, ये तीनों कार्य जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। ठीक है, अब पोषक तत्व होता क्या है ना, पोषक तत्व कितना है हमारे शरीर में, कितना उपयोगी है हमारे शरीर के लिए, तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल वाटर हो गया ना, ये कुछ 4-5 पोषक तत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए ना। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्ति होती है, प्रोटीन का स्रोत क्या है, फैट का क्या स्रोत है, विटामिन क्या क्या स्रोत है, मिनरल वाटर का
क्या स्त्रोत है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो जैसे कि स्टूडेंट हम लोग जैव प्रक्रम को देख लिए, जैव प्रक्रम देखने के बाद हम लोग पोषण भी देखे, पोषण क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है, पोषक तत्व क्या होता है ये भी समझ लिए। और पोषक तत्व में क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल वसा है ना, इनके बाद विटामिन है, ये पोषक तत्व है। इनका स्रोत हम अगला वीडियो में देखेंगे और देखेंगे हम लोग कि पोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पोषण को स्टूडेंट दो वर्गों में बांटा गया, स्वपोषण और परपोषण में बांटा गया क्लोरोफिल के आधार पे, क्योंकि कुछ प्लांट है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है ना, जैसे जीव है, जीवों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, तो उसमें परपोषण का क्रिया होता है, ठीक है। स्वपोषण में भी दो विधि होता है, एक होता है प्रकाश संश्लेषण विधि और दूसरा होता है रसायन संश्लेषण विधि, ठीक है। तो इसके बाद परपोषण में भी तीन प्रकार है, कौन कौन है, तो परजीवी पोषण है, मृतजीवी पोषण है और प्राणी संपोषण है। ये सभी चीजों को अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे और बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, धन्यवाद।